तो हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल, एकदम मस्त। तो भाई Realme अपने GT सीरीज को लॉन्च करने के लिए रेडी है। नाम है Realme GT 5। जी हाँ, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। इसी 28 तारीख को यानी 28 अगस्त को इंडिया में नहीं, चाइना और ग्लोबली दोनों जगह ये देखने को मिलने वाला है। लेकिन इंडिया लॉन्च को लेकर अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन पिछला GT सीरीज को जो लॉन्च नहीं किया इन्होंने, लेकिन उम्मीद है कि भाई साहब ये स्मार्टफोन को ना, इस स्मार्टफोन को लॉन्च कर देना चाहिए इंडिया में। आपका क्या कहना बताना कमेंट सेक्शन पर। भाई हम तो भाई इंतजार तो कर ही रहे हैं, लेकिन उम्मीद मत बांध के बैठिएगा। लेकिन इसमें क्या खास होने वाला है, डिटेल सामने आ चुकी है, फर्स्ट लुक सामने आ चुका है, दिखने में कैसा है, दिखने में शानदार लग रहा है, क्या क्या इसमें आपको नया चीज देखने को मिलने वाला है। यदि इंडिया में गलती से भी लॉन्च हो गया तो किस प्राइस पॉइंट पे ये लॉन्च होने वाला है, मतलब हो सकता है, लीक्स रूमर्स है जो कि हमारे सोर्स और लीक्स बता रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूं, सब कुछ शेयर करूंगा आगे। लेकिन बता दूं, एक और स्मार्टफोन है Realme GT Neo 6, यही स्मार्टफोन है, इसी का ही रीब्रांड करके Realme GT Neo 6 होने वाला है। अब वो कहां कहां लॉन्च होगा अभी कुछ अपडेट नहीं है, जैसे कुछ अपडेट आएगा आपका भाई बैठा होगा भाई साहब बताने के लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट करिए, प्यार बरसाइए। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनूप, आप देख रहे हो खुद का टेक चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप हैं तभी तो हम हैं। तो हां जी चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो बताया जा रहा है कि यहां पर ग्लास बैक के साथ प्लास्टिक फ्रेम, ग्लास फ्रंट देखने को मिलेगा, लेकिन फ्रंट में किसका प्रोटेक्शन होगी ये कहीं कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन लीक और सोर्स बता रही है कि हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फोन का वेट बताया जा रहा है 186 ग्राम, थिकनेस 9.1 mm के आसपास देखने को मिल सकती है। तो देखी जाए भाई साहब, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, एल्यूमिनियम फ्रेम हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। लेकिन डिजाइन की बात करें तो फर्स्ट लुक सामने आ चुका है, ब्रांड भाई कंपनी टीज भी कर रही है और सिल्वर कलर का टीज किया गया है, आप देख सकते हैं। बैक साइड देखेंगे तो टॉप पर एक ब्लैक पट्टी देखने को मिलेगी, जहां पर ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग है, जो कैमरा लेआउट है ना आपको वन प्लस नॉर्ड 3 के जैसा देखने को मिलता भी है। यहां पर बगल में ही आपको ना LED लाइट देखने को मिलती है भाई साहब, जो कि जबरदस्त है, चार हिस्से में डिवाइड किया गया है। यहां पर आपको तरह तरह के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, जब गेमिंग करेंगे मिस कॉल अलर्ट होगी, बैटरी चार्ज करेंगे लो होगी, सब कुछ यहां पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। साथ ही आपको नीचे Realme की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। फ्रंट साइड की बात करें, सेंटर पंच होल के साथ फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि 88% या 89% का बॉडी रेशियो होने वाली, तो भाई साहब डिस्प्ले तो शानदार है ही, डिजाइन तो भाई साहब अच्छी लगी रही है। बात करें कलर्स की तो पहला तो आपको कंफर्म हो ही चुका है सिल्वर, उसके साथ ग्रीन और हो सकता है पर्पल कलर भी देखने को मिल सकती है, लेकिन सिल्वर कलर को टीज किया गया है, अच्छा देखने में लग रहा है, डिजाइन तो शानदार है ही। लेकिन अब बात करें डिस्प्ले की, तो यहां को मिलेगा 6.74 इंच की 1.5K 10-bit का AMOLED पैनल, 2772x1240 का पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20:1 का स्पेक्ट रेशियो, 451 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 1600 nits की पिक ब्राइटनेस, 144Hz की रिफ्रेश रेट, 1500Hz की टच सैंपलिंग रेट, HDR10+, वाइड वाइन L1, सब कुछ सपोर्ट देखने को मिल रही है भाई साहब। यहां पर 10-bit का कलर आपको अच्छे मिलेंगे, नो डाउट, ब्राइटनेस भी अच्छी है, इनडोर आउटडोर की विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। यहां पर टच सैंपलिंग रेट बहुत शानदार दे रखा है, यानी कि जब भी आप अपना पेज स्क्रॉल, मतलब सोशल मीडिया पेज स्क्रॉल करेंगे ना, स्मूथनेस भाई साहब जबरदस्त फील होने वाली है, गेमिंग करेंगे जबरदस्त होगा। और साथ ही आपको यहां पर एक नया चीज देखने को मिलने वाली है, इंडिपेंडेंट X7 डिस्प्ले चिप। अब ये ना थोड़ा सा इनहांस करता है, मतलब जब भी आप कुछ कंटेंट कंज्यूम करते हैं, गेमिंग करते हैं, तो क्वालिटी आपको इनहांस कर देगा, तो भाई नेक्स्ट लेवल ले जाने वाली है, शानदार डिस्प्ले क्वालिटी होने वाली है। बात करें परफॉर्मेंस की, तो भाई साहब इस फोन को शक्ति देगा क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर। और भाई साहब ये जो प्रोसेसर है ना, दमदार प्रोसेसर, बटरी स्मूथ है भाई साहब, 4 nm फैब्रिकेशन बनाया गया, एनर्जी एफिशिएंसी मस्त रहती है, हीटिंग असर काफी कम देखने को मिलेगा, और यहां पर थर्मल मैनेजमेंट का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला, यानी वेपर चैंबर कूलिंग का सपोर्ट होगा, फोन हीट वीट होने की चांसेस बहुत कम रहेंगे यहां पर। चलिए एक नजर डालते हैं इसके रॉस की तरफ, यहां मिलेगा 1 Cortex X3 जो कि 3.2 GHz तक क्लॉक किया गया है, वहीं 2 Cortex A715 जो कि 2.8 GHz तक क्लॉक किया गया है, वहीं 2 Cortex A710 जो कि 2.8 GHz तक क्लॉक किया गया है, वहीं 3 Cortex A510 जो कि 2 GHz तक क्लॉक किया गया है। बटरी स्मूथ है भाई साहब, दमदार परफॉर्मेंस रख देगा। यहां भी आपको एक चीज नया देखने को मिलने वाली है, लेकिन पहले बात कर लेते हैं गेमिंग ग्राफिक्स वाले के लिए, मिलेगा Adreno 740 GPU, साथ ही LPDDR5X RAM, UFS 4.0 वाले स्टोरेज यहां देखने को मिलती है, यानी कि भाई साहब दमदार
परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है। रीड राइट की स्पीड शानदार है, यहाँ पर गेमिंग आप आराम से कर सकते हैं। रही बात 5G बैंड की, तो 9 5G बैंड देखने को मिलेगा। ऑन टू डिस्क की बात करें तो 12,88,000 के आसपास देखने को मिला, 13 लाख तभी टच कर जाता है। वो डिपेंड करता है वर्जन 9 है कि वर्जन 10 है, यहाँ पर वर्जन 9 की बात कर रहा हूँ। तो शानदार है भाई साहब, परफॉर्मेंस जबरदस्त है। अब वो नया चीज क्या है, यहाँ पर ना आप अपने से CPU फ्रीक्वेंसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 2.7, 2.1, 2.8 जैसा आप चाहते हैं वैसा सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन, देखते हैं कैसे काम करेगा। अभी चीज मुझे पता नहीं भाई साहब, लेकिन उम्मीद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि एक डिवाइस थी आसूस या नूबिया से कोई डिवाइस था जिसमें देखने को मिला था, मुझे याद नहीं पड़ा नाम एक्चुअली कौन सी ब्रांड का है, नूबिया या आसूस का ही था। यहाँ पर यहाँ भी आपको पहला स्मार्टफोन हो जाएगा जो कि देखने को मिलने वाला है। अपने हिसाब से आप CPU फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। बात करें कैमरास की, तो यहाँ पर कैमरास जो लेआउट है ना वो OnePlus Nord 3 से मिलता जुलता है। ट्रिपल कैमरा है, 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ, सोनी IMX890 सेंसर, वही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, वही यूजलेस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। तो यहाँ पर ना कैमरा क्वालिटी उतना खास देखने को नहीं मिल रही जिससे हम लोगों ने उम्मीद कर रखा था कि भाई साहब जिस तरह से स्पेक्स देखते हुए आ रहे हैं उस हिसाब से तो भाई साहब शानदार होना चाहिए था, लेकिन उतना खास नहीं जैसे OnePlus Nord 3, OnePlus Nord CE3 में देखने को मिला था, वैसे ही कुछ देखने को मिल रही है। क्वालिटी अच्छी देगी, कोई खराब नहीं है, लेकिन जैसा मतलब समझ सकते हैं ना, आप समझ रहे होंगे। खैर, रियर से 4K 30fps 1080 120fps तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके खूबसूरत चेहरे कैप्चर करने के लिए, रीड शॉट्स बनाने के लिए यहां पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा EIS सपोर्ट के साथ देखने को मिलेगा, जहां पर 1080 30fps रिकॉर्ड कर सकते हैं। 4K सपोर्ट है कि नहीं ये कहीं अपडेट नहीं है, लेकिन देखा जाए कैमरा क्वालिटी आपको ठीक ठाक ही देखने को मिलेगी, कोई खराब नहीं है। बात करें बैटरी की, तो यहां आपको एक नहीं दो दो बैटरी ऑप्शन देखने को मिलने वाले चार्जिंग सपोर्ट के साथ भी अलग अलग, जैसे GT सीरीज को देखा जाए इतिहास को देखें उस हिसाब से, तो यहां आपको मिलेगा 4600 mAh की बैटरी साथ ही 240 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट। वहीं दूसरा वाला जो वेरिएंट्स है ना यहां पर, जैसे पहला वेरिएंट बता दिया, दूसरा वेरिएंट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 5240 mAh की बैटरी 150 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट। अब ये दोनों ही चार्जिंग सपोर्ट आपके चॉइस के ऊपर है, आप 240 की तरफ जाना चाहते हैं या फिर 150 वॉट की तरफ चाहते हैं, वो आपके पास सिलेक्शन है। दोनों ऑप्शन से अच्छे ऑप्शंस यहां पर प्रोवाइड करती है GT सीरीज को देखा जाए। लेकिन बात करें सेंसर सिक्योरिटी प्राइवेसी की, तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा, सेंसर साइज सेंसर मिलेंगे, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, NFC, IR ब्लास्टर देखने को मिल सकता है, यहां पर कोई कमी नहीं है। USB टाइप सी पोर्ट, डुअल स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिलेगा, लेकिन 3.5mm ऑडियो जैक, नहीं कोई कार्ड स्लॉट देखने को मिलने वाली है। खैर बात करें सॉफ्टवेयर की, यहां मिलेगा Android 13 के ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स साथ ही Realme UI 4.0। अब भाई साहब Realme UI 4.0 के साथ जो कांड हो रखा है भाई सबको पता है, अब यहां पर ऐसा कुछ ना मिले उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, सब मिलेगा। ब्लॉगर रहते हैं भाई साहब, भर भर के हटा भी सकते हैं, चलिए देखते हैं जैसा होता पता, लेकिन डिसेंट आपको मतलब क्वालिटी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें वेरिएंट्स की, तो यहां आपको वेरिएंट्स तीन मिलेंगे, पहला है 8+256, 12+256 और 24+1TB, यानी कि भाई साहब 24GB रैम के सेगमेंट में ये भी आ चुकी है। Realme GT 5 आपको 24GB रैम सपोर्ट तक देखने को मिलने वाली है। अब किसको रिक्वायरमेंट भाई साहब, मुझे तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बताना कमेंट सेक्शन पे। लेकिन बात करें इससे पहले प्राइस की, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, 150 लाख का टारगेट है पहुंचाइए, शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड फ्रेंड्स, चैनल वाली बाएं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन के बिना मत जाइए। पिछला दो वीडियो में देख चुका हूं आप लोग प्यार नहीं बरसा रहे, कुछ गलती है बताइए कमेंट सेक्शन पे। खैर बात करें प्राइस की, देखिए प्राइस यदि इंडिया में लॉन्च होती भी है तो बताया जा रहा है 40,000 के अंदर ही ये स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। इसका जो बेस वेरिएंट है 37-38 ऐसे ही मिलेगा, लेकिन देखते हैं क्या ये स्मार्टफोन इंडिया में भी लॉन्च किया जा सकता है कि नहीं, करती है कि नहीं करती है, देखते हैं। उम्मीद है हम सब जितने भी क्रिएटर्स हैं उम्मीद बांध के बैठे हैं, हो सकता है मे बी हो जाए, देखते हैं। Realme GT Neo 6 के नाम से हो सकता हो, ऐसे उम्मीद मत बांधिएगा, लेकिन देखते क्या होता है। खैर अपना ओपिनियन बताइए कमेंट सेक्शन पे, क्या आप इस स्मार्टफोन को इंडिया में देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं, और देखना चाहते हैं तो किस प्राइस पॉइंट पर आप देखना चाहेंगे, बताए कमेंट सेक्शन पे। कमेंट किया कीजिए भाई साहब, मुझे मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सा यूट्यूब के एल्गोरिथम को भी लग जाता है, व्यूज में थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, तो प्लीज कमेंट किया कीजिए, सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए, ऐसे वीडियोज के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।